नमस्कार, स्वागत है आपका डेली डायरी न्यूज में। राजस्थान में संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावती का विरोध पूरी रूप लेता जा रहा है। शुक्रवार को जयपुर के नाहरगढ़ किले पर एक शख्स की लाश लटकती हुई मिली। दीवार पर फिल्म पद्मावती के विरोध में मैसेज भी लिखा था। जिस जगह पर लाश लटकी मिली है उसके बगल वाले पत्थर पर लिखा है, हम पुतले नहीं जलाते लटकाते हैं। वहीं दूसरे पत्थर पर लिखा है, पद्मावती का विरोध। किले पर लटकती मिली लाश किसकी है फिलहाल इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने लाश को किले से उतार लिया है और इसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पद्मावती फिल्म से जुड़ी धमकियां जो पत्थर पर लिखी मिली हैं, वो उस व्यक्ति से संबंधित है या नहीं ये भी कहना फिलहाल मुश्किल है। आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने पद्मावती फिल्म पर बैन लगाने वाली याचिका फिलहाल खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने कहा है कि इस तरह की याचिकाओं को लगाकर आप हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि अभी मामला सेंसर बोर्ड के पास पेंडिंग है। जब इस तरह की याचिका सुप्रीम कोर्ट खारिज कर चुका है तो सुनवाई की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए इस याचिका को हम खारिज कर रहे हैं। तो आपको बता दें कहीं ना कहीं पद्मावती का विरोध अब खूनी रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। क्या यह विरोध सही है? क्या पद्मावती का विरोध ऐसे करना कितना जायज है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें। डेली डायरी की रिपोर्ट।